चलो चलो दीदी को देख सकते हैं, ओहो इतना बड़ा डोका देख सकते हैं पीठ में, आराम से बाबरे। जो हमारे दर्शक अभी वीडियो देख रहे हैं ना ब्लॉग, उनको आज देवभूमि के दर्शन कराते हैं। सामने देख सकते हैं ये शंभू बुग्याल है, उनका कहना है कि गढ़वाल में मायका है और कुमाऊं में ससुराल है। दो भाषा होगी, बहुत ही ठंडा होता है, बहुत ज्यादा ठंड होता है क्योंकि सामने से देख सकते हैं आप हिमालय में बर्फ पड़ी है। तो रोड से यहाँ पहुँचने में भैया 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लग रहे हैं। अगर आप सामान लाते हैं खाने पीने का घोड़े में लाते हैं। हेलो हाय गुड मॉर्निंग उत्तराखंड, पहाड़ की इन हसीन वादियों से करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। हेलो नमस्ते उत्तराखंड एंड पहलाक दानपुर, तो करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत। चलिए अभी मैं हूँ भैया बद्याकोट से, एक गांव पड़ता है बोर बड़ा समडर गांव, तो मैं उसी गांव में हूँ। कल भाई साहब के साथ आया था और अभी सबसे पहले अपना भैया मॉर्निंग का टाइम है, चाय हो गया अपना और इस टाइम पर अपना फेस वॉश और ब्रश करता हूँ, फिर करता हूँ ब्लॉग को कंटिन्यू। हिमालय का चढ़ाना प्यारो मेरो गाँव, छबीलो गढ़वाल मेरो रंगीला कुमाऊं। गुड मॉर्निंग अमा। गुड मॉर्निंग बाबू। पूरे जो पहाड़ हिमालय देखिए हो, ये कौन कौन है और क्या क्या नाम है? ये शिमू और बरतोली और पौड़छीना पोली। अच्छा पोली द्वार। हाँ पोली द्वार यहाँ बोलती हैं। अच्छा और ये शायद ऊपर शायद वो बरतोली कहते हैं हमारे यहाँ के। अच्छा और यहाँ से गढ़वाल कितनी दूर हुआ? गढ़वाल तो 15 किलोमीटर है बाबू यहाँ से। अच्छा आपका मायका कहाँ हुआ? मायका मेरा किलपारा है। अच्छा किलपारा है। किलपारा। अच्छा तो जो लोग ना गढ़वाल जाते हैं इसी के रास्ते जाते हैं? मातोली के रास्ते जाती है। अच्छा मातोली से जाते हैं। हाँ मातोली से जाती हैं। फिर मातोली का भी जाबर बोलते हैं और गौरी खाल बोलते हैं वहाँ का नाम भी। अच्छा। और माने दियो बहुत उत्तराखंड दियो देवदा भूमि में अमा पूरा दियो देवदा भूमि में रोनो है। अच्छा फिर यहाँ ये कुछ ना रजनिया तो अमार बहुत मान्यता रहे सही जा अमार मंदिर है और बहुत वो मैं रोना शुद्ध जा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। देवभूमि उत्तराखंड सामने हिमालय है और हिमालय के चरणों में है गांव ये बसा। हाँ। गांव का नाम क्या है? गांव का नाम यहाँ हमारा गांव का नाम बोर बलड़ा एक ही ग्राम सभा है हमारी। अच्छा तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का अंतिम गांव बोल सकते हैं इसको ना? कुमाऊं का भी अंतिम गांव बोल सकते हैं। अंतिम गांव है हमारा। किस साइड जाते हैं? किस साइड जाते हैं ये? गुड मॉर्निंग। अच्छा अम्मा अभी गाय जंगल को? जंगल जा रहे हैं जा तल्ला बोरा। अच्छा तल्ला बोरा जाते हैं। तल्ला बोरा। अच्छा यहाँ से कितनी दूर पड़ता है जंगल? जंगल थोड़ी है जाना 15 मिनट। अच्छा गाय भैंस कितने हैं आपके? गाय भैंस बस 5 है। अच्छा भैंस भी दिए है अब बूढ़े बाजे घर में है बच्चे नीचे है। अच्छा अब बच्चे प्लेन में रहती हैं कहाँ आती है यहाँ बस दो बुढ़ी यहाँ घर में है। अच्छा अच्छा दूध देने वाली गाय कितने हैं? एक ही है। अच्छा एक ही है तो चल जाता काम गुजारा हो जाता है। ये चल जाता है काम। मॉर्निंग का ये नजारा है पहाड़ी बाघले आप देख सकते हैं और सामने से इतना बड़ा हिमालय बर्फ की चोटी आप देख सकते हैं और ये है पहाड़ी घर जो ग्राउंड फ्लोर में नीचे है ये गोट है और इससे ऊपर को पान जहाँ लोग रहते हैं इंसान जो जहाँ रहते हैं वो पान कहते हैं और जहाँ पे गाय भैंस जो पशुएं रहते हैं उसे गोट कहते हैं यानी कि गौशाला। आ जाओ ओ भाग रहे। दीदी आपके कितने हैं गाय? 4 गाय हैं। अच्छा आप तो मेरे ब्लॉग देखते हो। हाँ। कल मैं जैसे यहाँ आपने बोला कि आप दो ब्लॉगर हो। हाँ। कैसे पहचाना? मैंने यूट्यूब में देखा ना। अच्छा नेट में। अच्छा वीडियो अच्छा। देखती हूँ आपकी। चलो धन्यवाद। मुझे नहीं पता था कि इतनी दूर भी कोई मेरे ब्लॉग देखते हैं वीडियो देखते हैं। मेरे को वो सब्सक्राइब करने वाला नहीं आता है ना इसलिए नहीं तो करती मैं। अच्छा अच्छा खाली थोड़ा इंग्लिश नहीं आती है। अच्छा चलो कोई बात नहीं आज मैं सिखा दूंगा बढ़िया तरीके से कि कैसे वीडियोस देखते हैं यूट्यूब में है ना दीदी। चलो मैं अभी बताऊंगा आपको अभी जंगल को ना। हाँ जंगल को। तो चले भैया अपना फेस वॉश तो हो गया है अब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में आप देख सकते हैं चाय हरी सब्जी रोटियां और यहाँ पे मेरा ब्लॉग अपलोड हो रहा है क्योंकि वाईफाई से हो रहा है ना यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। फर्स्ट क्लास से धूप भी निकली है और ब्रेकफास्ट का आनंद लेता हूँ हरी सब्जी है और रोटियां और ये मट्ठा चाय। फाइनली ब्रेकफास्ट फिनिश और रह गया क्या ये मट्ठा और साथ में मेरा ब्लॉग अपलोड भी हो रहा है बगल में और ऑनलाइन का काम भी करते जा रहा हूँ बाहर पे क्योंकि वाईफाई लगा हो सामने। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा समडर का गांव
सामने हिमालय और हम रुके हैं वो सामने और नीचे वाले घर पे। और इस टाइम पे मैं आ रहा हूँ भैया ब्लॉग अपलोडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक जगह वाईफाई लगा है। नीचे तो कम स्पीड आ रहा है और मैं अभी जा रहा हूँ ऊपर, क्या पता सही चले नेट तो ब्लॉग जल्दी अपलोड हो जाएगा। गाँव से ऊपर यहाँ के इष्ट देवी देवताओं का मंदिर, जय हो। तो सामने देख सकते हैं ऊपर छत में यह है एंटीना और यहाँ लगा होगा वाईफाई, और देखते हैं यहाँ पर कितना स्पीड अभी बढ़ा है भाई साहब है सामने। और कल हम आए थे बद्याकोट, इसके इस पहाड़ी के पार हुआ ना बद्याकोट, और हम आए हैं पहाड़ के वार पल, इस पहाड़ के इस तरफ हम आए हैं। और बाइक खड़ी है, अभी न्यू रोड कटिंग चल रही, सामने जैसे भी लगी है वहाँ पर बाइक छोड़ी है। तो गाइज आज ना ब्लॉग का टाइम मिस हो गया, मेरे ब्लॉग आते हैं 9 या 10 बजे, लेकिन इस टाइम पे क्या हो रहा है ना, मैं गांव-गांव में विजिट कर रहा हूँ, दानपुर यात्रा चल रही है और आज है 7वां दिन। तो भाई साहब मैं पहुँचा हूँ बलड़ा गाँव में, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का ये अंतिम गाँव है, फिर इसके पार एक बुग्याल है, पहाड़ है उसके पार लग जाता है गढ़वाल चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो भाई साहब अभी मैं ब्लॉग का टाइम चेंज करने वाला हूँ शाम के 5 बजे, क्योंकि यहाँ मैं विजिट कर रहा हूँ, गांव-गांव में जा रहा हूँ तो कहीं पर नेटवर्क नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं और एडिटिंग भी करना होता है। तो ये देख सकते हैं ये गांव है बलड़ा का, और यहाँ पे एक जगह वाईफाई चल रहा है, अपना ब्लॉग अपलोड भी हो रहा है और भाई साहब बात भी कर रहे हैं भाभी जी से, क्योंकि यहाँ पे कॉलिंग नेटवर्क नहीं, बस वाईफाई से आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वो भी एक टाइम पर। सामने वाईफाई है और ये गाँव है बलड़ा का। अभी मैं आपको ऐसी लोकेशन पे लाया हूँ, ऐसी जगह लाया हूँ। दीदी नमस्कार। नमस्कार। यहाँ पे क्या रहते हैं? बकरी। बकरियाँ रहती हैं यहाँ पे? हाँ। कितने हैं बकरियाँ? बकरियाँ 100। 100 बकरियाँ? हाँ। अच्छा, तो दीदी बता रहे हैं यहाँ पे इनके 100 बकरियाँ रहते हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं? गोबर निकाल रहे हैं। अच्छा, गोबर निकाल रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो ये गोबर कहाँ ले जाएंगे आप? इसको खेत में। खेत में ले जाएंगे? हाँ। और सब्जी में क्या क्या होता है? गोभी। अच्छा। लहसुन। अच्छा। प्याज। तो देख सकते हैं ये है बकरी का गोबर और इसको खेत में ले जा रहे हैं। कहाँ आते हैं? कहाँ से बाशा लगा ना? यो बराड़ी। बराड़ी गए? कोट बराड़ी बागेश्वर। अच्छा, तो मैं मैथ का बॉय। हम मैथ गढ़वाल। गढ़वाल भैया, गढ़वाल का जाग। गढ़वाल देवाल हिमनी। हिमनी तो वहाँ का हूँ मैं, न पछाने मैं न हिमनी का हूँ मैं न है वहाँ हिमनी का होमी हिमनी का है। हिमनी के हैं? हाँ। अच्छा। तो दीदी का जो मायका है वो है गढ़वाल हिमनी में ना, या देवाल? देवाल। मैं बागशोरक हूँ। बागशोरक? हाँ। तो दीदी को मैंने इनके लैंग्वेज पे ही, इनकी भाषा में ही बात की, तो दीदी को लगा कि मैं भी इनके गांव से ही हूँ गढ़वाल से, लेकिन मैं बागशोरक हूँ। बागशोरक लाग रहा हूँ। हाँ, देवाल के। देवाल के। आपका मायका है गढ़वाल में और ससुराल है कुमाऊं में? कुमाऊं में। अच्छा। हाँ। तो बड़ा होता गाना गाते हो, जो अभी मायके की याद भी आ रही होगी और त्योहार भी आ रहे हैं, तो उस टाइप का गाना गा दो बढ़िया। रंगीलो पहाड़ा रंगीला यो हमारा कुमाऊं जान ले ता। ओहो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी बल्दा के साथ जा रहा हूँ मैं, ये है गढ़वाल जाने वाला रास्ता, और बल्दा शर्माते जा रहे हैं यार अर्जुन भाई, मैं भैया तैयारी नहीं हूँ ब्लॉग बनाते जा रहे हो बल, लेकिन ब्लॉग बनाने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी होती है, सीधे कैमरे में आओ और अपने ऑडियंस प्यारे प्यारे प्यारी प्यारी ऑडियंस को बोल दो कि मैं ये कर रहा हूँ। ब्लॉगर का यही सीन चलता भैया, कोई फेस वॉश नहीं भैया, क्या लग रहा फेस पर, कोई दिक्कत नहीं, बस ब्लॉग बनाना है बनाना है, कंटिन्यू करना है। और यहाँ भी देख सकते हैं इतने बढ़िया बढ़िया लोटे बनाए हैं घास के, ये स्टॉक रखा गया होगा, अभी बर्फबारी इस बार तो हुई नहीं। यो तुम के कहा था पोरा है? गोपर पोर। अच्छा। पोर गांसो। हां। बकरा पोर सो। खेत में ले जाओ। खेत में ले आसो। हां ले जाओ। ले जाओ। हां। हां पैसे। हां। पोर गालूला। हां। अरे मैं बोली। तो सामने आप देख सकते हैं बिच्छू घास, इसकी भैया ऐसी सब्जी बनती है ना, क्या ही बनती है भाई साहब, क्या ही बनती है। तो गांव के बैकग्राउंड में देख सकते हैं बर्फीले पहाड़, जो इस गांव का ना आकर्षण का केंद्र है। तो अभी दीदी लगा रहे हैं भारी, देख सकते हैं। चलो चलो दीदी को देख सकते हैं। ओहो, इतना बड़ा जोका देख सकते हैं पीठ में, आराम से बाप रे। अरे मैं भूली दिन ताकत सा पहाड़ी। हाँ पहाड़ी थी ताकत हूँ। तो आप लोगों की जो लैंग्वेज सुना है ये आधी गढ़वाली आधी कुमाऊनी है भाषा। प्योर गढ़वाल ले ना और तुम प्योर कुमाऊनी ले ना और। अब गढ़वाल में भी गया, कुमाऊं में ससुराल भी ससुराल है। तो इनका कहना है कि गढ़वाल में मायका है और कुमाऊं में ससुराल है। दो भाषा होगी। दो भाषा। तुम्हारे पैया क्या करना? पैया ले मैथ बनाऊ। पैया मतलब तुम्हारे खसम गढ़वाल बुढ़ी बुढ़िया।
बहुत काम करे मियाँ बूढ़े किसान किसान है हाँ। अच्छा नाम के बॉय पाड़ी नाम के बॉय नाम मदन सिंह अच्छा तो खेत का तो दूर बॉय खेत बहुत दूर तो बुलिया ले तो आज मैं आपको ऐसे गांव में लेके आया हूँ ना जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे आपका अर्जुन खलपटिया कभी तो वो सीन है इस गांव में ये सबसे पुराना मकान लग रहा मुझे और ये घर है आपका 1947 का बना हुआ और ये नकाशी आप देख सकते हैं पहले कुछ ऐसे दरवाजे बनाते थे इस टाइप के दरवाजे होते थे और ये नकाशी देख सकते हैं भैया गेट कितना शानदार है दीदी आप क्या कर रहे हैं हम कपड़े धो रहे हैं कपड़े धो रहे हैं हाँ। अच्छा अच्छा ये पानी कितना ठंड होता है बहुत ही ठंडा होता है बहुत ज्यादा ठंड होता है क्योंकि सामने से देख सकते हैं आप हिमालय में बर्फ पड़ी है तो पानी आता कहाँ से ये ऊपर से आता है गढ़वाल वाले रास्ते से गढ़वाल वाले रास्ते से अच्छा ऊपर हिमालय से आता है अच्छा तो ठंडे पानी से ही होती है बस कपड़े धुलाई अच्छा अब तो आदत भी हो गई होगी तो आदत हो गई हम ठंडे इलाके के ठहरे हाँ हाँ आदत सी बन जाती है हमारी अच्छा अम्मा जी भी बताना चाहेंगे जैसे ना मार्केट जाते हैं बाजार जाते हैं तो गाड़ी कहाँ तक गाड़ी माला बोरा है अभी तक तो अभी तो गाड़ी फिर रोड ऊपरी ऊपरी समुंदर जा रही है अच्छा निजी इससे ऊपर एक और गांव है ना समुंदर कहाँ पे है समुंदर गांव समुंदर गांव परी तरह वो साइड है वहाँ अच्छा जहाँ शंभू नदी आती है अच्छा शंभू नदी हाँ शंभू नदी समुंदर में अच्छा समुंदर इसलिए तो जो हमारे दर्शक अभी वीडियो देख रहे हैं ना ब्लॉग उनको आज देवभूमि के दर्शन कराते हैं सामने देख सकते हैं ये शंभू बुग्याल है और यहाँ से निकलती है ये नदी निकलती है शंभू से शंभू अच्छा शंभू नदी निकलती है अच्छा नदी शंभू नदी यही है गाड़ी आजकल मल्लाबोरा में आ रही है तल्लाबोरा ऊपरी ऊपरी रोड समुंदर जा रही है स्कूल स्कूल कहाँ है यहाँ पे स्कूल यही है ये सामने सामने है अच्छा यहाँ पे है ये प्राइमरी स्कूल होगा ना प्राइमरी तो इस गांव में बच्चे कितने हैं पढ़ने वाले वहाँ पे यहाँ परेशानी है इजा ये बीच में सटान भी है बराकानी तो तभी तो लोगों ने पलायन कर दिया यहाँ से बसों को सो नीचे चले गए बसे बागेश्वर हल्द्वानी अल्मोड़ा देहरादून बहुत परेशानी न तो गाड़ी की रोड न तो टावर और बहुत चीजें प्रॉब्लम परेशानी है तो कभी आप जैसे मार्केट जाते हैं तो सबसे नजदीक में कौन सी मार्केट पड़ती है यहाँ से यहाँ बराड़ी बराड़ी कपकोट ना बराड़ी कपकोट एक दिन में आ जाते हैं तो खाना होने के बाद अभी बलड़ा गांव सारे दीदी लोग यहाँ पे बैठे हैं और ये ब्लॉग देखते हैं देखते हैं अच्छा मुझे तो नहीं जानते होंगे नहीं आपका ब्लॉग नहीं देखा नहीं देखा और उनका देखा है जैसे अच्छा हीनू ब्लॉग को जानते हैं हीनू ब्लॉग को जानते हैं हीनू ब्लॉग आप तो मुझे जानते हैं हाँ, उनको भी जानती हूँ दीदी ने तो कल ही बताया था कि आप यूट्यूबर हो करके दीदी मेरे ब्लॉग देखते हैं गढ़वाल से कौन कौन आप हुए और मैं भी कुमारी अच्छा कुमारी गढ़वाल बना जाओ और तुम्हारा मैत का बॉय गढ़वाल हिमनी हिमनी गढ़वाल में मैत भैया और ससुराल बॉय बल्ला में और तमर मेरे कुमार मैथ या ससुराल बल्ला मैं बल्ला की अच्छा कल जाने होते हैं गढ़वाल जाने वाले हैं अच्छा अच्छा आज दीदी की अभी शादी नहीं हुई है होने वाली शादी अच्छा अच्छा अभी क्या करते हैं कॉलेज फॉर्म भरा है मैंने ऊपर अच्छा अच्छा वही मोली वारा चाचा पारा
तो अभी शाम का टाइम है और दीदी आ रहे हैं जंगल से लकड़ियां लेके। अच्छा, यहाँ पे गढ़वाल वाले स्टाइल में लाते हैं। बारिश भी होने लगी तो जंगल से आप देख सकते हैं गाय भी आने लग गए हैं और बारिश भी होने लगी हल्का हल्का। तो देख सकते हैं अभी शाम का टाइम है और गाय तो आगे हैं और अम्मा ले जा रहे हैं अभी यहाँ लूटा से घास घास ले जा रहे हैं। चलो ले जाओ अम्मा, बारिश भी होने लग गए है और ऊपर हिमालय में इस टाइम पे फिर से बर्फबारी होने लगी है। ये तो अम्मा अब ले जाएंगे घास अंदर और ऊपर हिमालय में आप देख सकते हैं इस टाइम पे बर्फबारी चल रही है। तो आज के लिए इतने रखते हैं ब्लॉग। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करें अर्जुन कलपटिया ब्लॉग यूट्यूब चैनल को, साथ ही अपनी फैमिली में अपने दोस्तों के साथ यार दोस्त जिगरी यारों के साथ ये ब्लॉग को शेयर जरूर करें। और साथ ही जाते जाते ये भी कहना चाहता हूं कि ब्लॉग का टाइम शाम 5 बजे है तो जरूर देखेगा बो ब्यालदा कल शाम को 5 बजे म्योर ब्लॉग मेरा ब्लॉग। ठीक है, तो ठीक है आज की तरह कल भी जरूर देखना ब्लॉग। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा तो आप अगले दिन का वेट करें, मैं मिलता हूं आपके साथ कल। ठीक है, बाय।